बरकत लेकर आएंगे ये 12 उपाय। जमकर होगी धन की बारिश। ज्योतिष शास्त्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। ये उपाय घर में सुख समृद्धि लाने में मदद करते हैं, साथ ही इन्हें अपनाकर देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेंगी। तो नंबर 1, घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करके सकारात्मक लाता है। नंबर 2, इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लौंग भी डाल दें, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, जब भी रोटी सेके तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारे और पहली रोटी गाय को दे, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत भी आती है। नंबर 4, हर रोज पक्षियों को दाना डालें, ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। नंबर 5, इन सब में से अलग सप्ताह में एक बार घर में गुगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है, इससे मन प्रसन्न होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। नंबर 6, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं, इससे आर्थिक स्थिति में तेजी सुधार होता है। नंबर 7, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन बेहद खास दिन माना गया है, ऐसे में शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती हैं। नंबर 8, साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। नंबर 9, पूजा में घंटी का इस्तेमाल जिन घरों में नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा में होती है और घंटी बजाई जाती है, वहां पर वास्तु दोष पैदा नहीं होता है। नंबर 10, संघ बजाने के फायदे। हिंदू धर्म में संघ को बहुत ही पवित्र चीज माना गया है, जिन घरों में शंख रखा होता है और उसकी पूजा होती वहाँ पर वास्तु दोष नहीं होता है। नंबर 11, सुबह उठते समय तुलसी जी का नित्य पूजा करें, ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी चमेली और पौधा लगाने से घर में धन धान का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। नंबर 12, सुबह उठते समय घर के मुख द्वार को साफ करें और सजाएं। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। सो फ्रेंड, ये थी हमारी वीडियो वास्तु टिप्स से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं।